Yes, good morning all students. Class second. Chapter है अपना 10. Chapter 10 है मसूरी की सैर. कौन सा चैप्टर बेटा? मसूरी की सैर. सैर का मतलब घूमना. मसूरी एक जगह का नाम है, वहां अपने को घूमने चलना है. ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको घर पे रीड करना है एक बार खुद को भी. मैं यहाँ रीड करके समझा रही हूँ. इस चैप्टर के अंदर यात्रा का वर्णन दिया गया है. इस चैप्टर के अंदर पूरी यात्रा का वर्णन दिया है. हम कहाँ से रवाना हुए, वहां पे उन्होंने क्या क्या देखा. इस चैप्टर में मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है. पहले अंडरलाइन करेंगे इसके ऊपर. चैप्टर की फर्स्ट लाइन है ये. मसूरी को क्या कहा जाता है? पहाड़ों की रानी कहा जाता है. ये उत्तर प्रदेश की एक सुंदरी पर्वत स्थल है, परंतु वहां उत्तराखंड राज्य में है. यहाँ पर भी अंडरलाइन करेंगे आप. कहाँ पे? ये उत्तराखंड के राज्य में. उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में अलग अलग करके बनाए गए हैं. उत्तर प्रदेश में अलग क्षेत्र आता है. इस क्षेत्र की राजधानी देहरादून है. देहरादून से 20 किलोमीटर की दूरी स्थिति में मसूरी जाने के लिए देहरादून में टैक्सी और बसें पकड़नी पड़ती है. वहाँ रेल नहीं जाती. निजी कारण वहाँ पहुंचा जाता है. गर्मी की छुट्टियों में मसूरी घूमने गए. वहाँ खुला क्षेत्र और मौसम गर्मियों से बड़ा सुहावना था. देहरादून से जब हम मसूरी के लिए चले तो मौसम गर्म था, परंतु बस के टेढ़े मेढ़े रोड घूमते हुए पहाड़ी रास्ता देहरादून से ऊपर की ओर चल कर ठंडी हवा को झोंकों को उत्साह भर दिया. जब रवाना हुए तब तो वहां पर गर्मी थी, और जब वहां ठंडे इलाके में टेढ़े मेढ़े करके ऊपर पहुंचे तो वहां ठंडा मौसम होने लगा. एक पहाड़ पर दूसरी ओर खेरी खाई थी और वहां सुहाना दृश्य था. लंबे हवा आकाश में टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, है ना. तो ये देखो ठंडा गर्म वाले में इसमें देखो आपके, है ना, ठंडा रास्ता था. और अड्डे से हम पिक्चर पैलेस गए, वहां पर उन्होंने बाजार देखा. बाजार में ऐसे हिमालय था. वहां पर वो लाइब्रेरी चौक में देखे, लाइब्रेरी चौक घूमने गए. वहां पर उन्होंने कई चीज देखी. तो आप इस चैप्टर को खुद एक बार रीड भी करेंगे, ठीक है ना. देखो ये चैप्टर है. अब इसके मैंने देखो आपको ये शब्दार्थ करवाए. इस चैप्टर के आपको मैंने शब्दार्थ कराए. पर्वतीय, पहाड़ी, क्षेत्र, इलाका. क्षेत्र का क्या होगा? इलाका. और सर्द, ठंडा, उत्साह, उमंग, दृश्य, नजारा, मार्ग, रास्ता. पहला आप चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे. नोटबुक में नीट एंड क्लीन चैप्टर हेडिंग डालेंगे और शब्दार्थ करेंगे. केवल शब्दार्थ करने देखो. सिक्स यहाँ पे सेवन बर्फीली बर्फ से ढका रौनक सुंदरता. एट तक तो यहाँ पे आपको शब्दार्थ करने. उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर है जो मैंने बुक में फील कराया आपको. ओपन योर बुक तो है ही आपकी. क्वेश्चन नंबर है देखो. क्वेश्चन नंबर है जो टिक द राइट वाला है. इसके अंदर आपको करना है मसूरी को कहा जाता है. अभी मैंने अंडरलाइन करवाई थी चैप्टर रीड में. क्वेश्चन नंबर टू, टू पे यहाँ पे टिक करोगे पहाड़ों की रानी. देखो फर्स्ट का सेकंड का राइट का टिक करना मैंने यहाँ पे करा है. सेकंड का थर्ड पे और थर्ड वाला का थर्ड पे. बुक पे टिक करना है, नोटबुक में आपको नहीं करना है, ठीक है. फिर फीलिंग द ब्लैक्स. फर्स्ट में पर्वतीय, सेकंड में देहरादून, थर्ड में गरम, सुहावना और सुंदर. ये देखो ये फीलिंग द ब्लैक्स, ये फील करनी है आपको. उसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह जो है आपका राइट रॉन्ग. राइट रॉन्ग के अंदर आपको मसूरी एक पहाड़ी क्षेत्र है. पहाड़ी क्षेत्र है ना, उस पर राइट का टिक करना है. मसूरी का रास्ता सीधा साधा है? नहीं. टेढ़ा मेढ़ा था ना, टेढ़ा मेढ़ा चल के वो ऊपर पहुंचे तमाम मौसम उनका ठंडा होने लगा. तो क्या करोगे? रॉन्ग. फिर थर्ड, देहरादून से 20 किलोमीटर दूर मसूरी है. राइट. फिर मसूरी का मौसम गर्म होता है? नहीं. मसूरी का मौसम ठंडा भी होता है. दोनों मौसम था उसमें, गर्म और ठंडा. तो मसूरी का मौसम गर्म होता है, रॉन्ग. मसूरी का मौसम ठंडा होता है. फिर ये देखो क्वेश्चन नंबर है. मैच द फॉलोइंग 1 2 3 4. फर्स्ट का सेकंड से मैच, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, और फोर्थ का वन से मैच. तो ये आपको मैच द फॉलोइंग तक आपको बुक में करने, नॉट बुक में ओनली आपको शब्दार्थ करने, नॉट बुक में ओनली आपको शब्दार्थ करने, ठीक है. समझ में आया चैप्टर आपको? एक बार आप खुद एंट्री करेंगे डायरी. चैप्टर 10 रीड. चैप्टर नंबर 10 रीड. समझ आया? चैप्टर रीड आप खुद करोगे तो आपको समझ में अच्छे से
आ जाएगा, पूरा कर लोगे ना? वेरी गुड, थैंक यू।